महाकाली कॉलरी काष्ठभुजा वार्ड क्रमांक 18 विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। बरसों से यहां के निवासी संबंधित अधिकारियों से अपनी समस्या अवगत करा रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों के उदासीन रवैये से खफा निवासियों ने मीडिया के सामने अपनी समस्या रखी। निवासियों ने बताया कि यहां पाइपलाइन होने के बावजूद पानी की किल्लत गरमा रही है। परिसर में बोरिंग की सुविधा न होने से दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। रास्तों स्ट्रीट लाइट के अभाव में लोग जी रहे हैं। और तो और बंगाली कैंप गोश्त मार्केट से कचरा लाकर यहां डाला जाता है, जिसके चलते बदबू और मच्छरों के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। इन सभी समस्याओं से निजात और रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग निवासियों ने की है। महाकाली कॉलरी अष्टभुजा वार्ड क्रमांक 18 मध्ये माझे विशेष नगर सेवक आहे। सर्व जनतांना आभार मानून त्यांना निवडून आणून दिले होते। माझे वार्ड मध्ये 1 करोड़ पाइपलाइन दिली होती। 1 वर्ष झाले हे वार्डमध्ये पाइपलाइन टाकलेली आहे। सध्या पाणीची एवढी दुष्काळ आहे माझ्या वार्डमध्ये। प्रकाशनगर जे 600 लोकांची वस्ती आहे, इथं प्रकाशनगरमध्ये पूर्ण पाइपलाइन टाकल्याचं झाले 1 वर्ष। आम्ही कमीत कमी वारंवार महापौरला, उपमहापौरला, कमिशनरला, सुद्धा कलेक्टरला आम्ही निवेदन दिलेले आहे की साहेब, आमचे वार्डमध्ये पाणीची एवढी दुष्काळ आहे। काळा पाणी, WCLचं पाणी पिऊन बीमार लोक बीमार होत आहे। ते अर्धा तासासाठीला पाणी येते काळा पाणी WCLचं। ते आमचे बस्तीचे लोक आपसमध्ये भांडण करते, एखादी एकांना मारपीट करतील, ते पाणी भेटत नाही। सध्या माझ्या हा प्रकाशनगर वार्डमध्ये 600 लोकांची बस्ती आहे। इथं आजपर्यंत प्रशासनाकडून एक भी बोरिंग नाही। सध्या इथं आमचे वार्डमध्ये असे साफसफाईमध्ये लक्ष देत नाही। आम्ही तिथं वारंवार तक्रार करतो। माझी हे खात्री आहे की माझे वार्डची नागरिकला अगर हे आमच्या ताबडतोड पाणीची पाइपलाइन मेन लाईनवर जोडणार नाही, तरी आम्ही हा उपासणार, माझी पत्नी आणि जनता नागरिकांना घेऊन मी तिथं महानगरपालिकेच्या समोर बसणार आहे। तरी आज आमचे वार्डची समस्या नागरिकांना पाणी प्यासाठीला इकड तिकड भडकून मोटरसायकलना धरून डोक्यावरून गुंड धरून इकड तिकड नाल्यातून इकड तिकड धावून सकाळी 5 वाजता उठून पाणीसाठीला इकड तिकड हिणत राहते। ती माझ्या वार्डची अशी समस्या आहे। मला एक रिक्वेस्ट आहे, माननीय आयुक्त साहेबला निवेदन देत आहे आणि पूर्ण पत्र प्रेशरमध्ये मी पूर्ण जनताला घेऊन पुन्हा सर्व पेपरमध्ये देणार आहे। आणि एक अजून एक माझी एक रिक्वेस्ट आहे की चांदापूर रेल्वे स्टेशनपासून 2014 ते रोड डांबरीकरण सँक्शन झाली होती, त्याच्यासोबती रविदास मंदिरचे हनुमान मंदिरपासून मसान घाटपर्यंत ते डांबरीकरण सँक्शन झालेली आहे। ते आज पण त्याचा टेंडर नाही केले या लोकांना। रात्री बेरात्री इथं जंगलाला लागून हा बस्ती आहे, किडे मकोड्याची भीती आहे। आणि चांदापूर रेल्वे स्टेशनमध्ये रात्री ट्रेनमध्ये उतरतील माणूस ते तिथं 92 होते, ते अंधेरे आहे। त्या बस्तीमध्ये गोरगरिबा येऊन ट्रेनमध्ये उतरतील, रोड्यांना सध्या जातील, तर तिथं रस्त्यामध्ये 92 करत आहे। ते आम्हाला लाईटीची व्यवस्था ताबडतोड देण्यात यावा। आणि हा मटन मार्केटवाले गंदगी आणू हॉटेलवाले जे अन्न आहे सडल्याला ते तिथून रोडच्या साईडला टाकतील। ते येणार जाणाऱ्या पब्लिकला मोठा त्रास आहे, तिच्यावरून बिमारीचा दुष्काळ होऊन राहिला। ते कंपो डेपोमध्ये जाऊन टाका, नाही तर माननीय SP साहेब, कलेक्टर साहेब, माननीय आमचे ट्रॅफिक अधिकारी रात्री गस्त लावते। जे तिथं रात्री टाकण्यात भेटतील त्याच्यावरून कानूनी कायदा सिरी, त्याच्यावरून तुम्ही गुन्हा दाखल करा, त्याच्यावर फाईन ठोका। अरे कचरा वगैरे घालून हे बायपास के तब सोड जानवर वगैरे लाके डालते, बहुत बास आती है। रेलवे से उतरते तुम्हारा लाइट नहीं है, रोड नहीं है, कोई आना जाना, कोई लड़की करती है तो उसको छेड़ाछाड़ी करती है, वो उसका सुविधा होना। अरे सिक्योरिटी के जो घूमते हैं कंट्रोल रूम की ड्यूटी पुलिस वाले, रात को गश्त देने को यहाँ पे गाड़ी लेके आना चाहिए। बस हो गया, क्यों ये सब लड़की जाते कभी रात बिरात को कहीं जाते हैं तो यहाँ पुलिस वालों का गश्त होना रात को। जैसा सिटी में राजू राय जाती है गश्ते में, तो पुलिस वाले यहाँ गश्ते में एक दिन होना यहाँ आने का। हाँ, तब से नल लगाए तब से काला पानी आ रहा, तो पी तो रहे और क्या, बीमारी हो रही है। बीमारी ये रोज का 8 दिन में 4 दिन में सफेद पानी आ रहा, तो उसको रख रख के हम लोग पी रहे। नगर परिषद का नाल डालने बोले तो फिर पानी नहीं आ रहा, कभी कभी छोड़ता कभी नहीं छोड़ते। फिर हम लोग जाते तो फिर चौकीदार आके बंद कर देते। महाकाली प्रकाशनगर में रहता हूँ, आज मुझे 18 साल हो गया। 18 साल से मैं देख रहा हूँ कि हम महाकाली कॉलरी के गंदे पानी पी रहे हैं, और इधर पाइप तो डाले 1 साल हो गया है, नल देने के लिए डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक नल का सुविधा हुआ नहीं है। घरों घर बाल बच्चे लोग वही पानी पीते हैं और बीमार गिरते जाते हैं। उसकी देखभाल करने के लिए सरकार देखते है कोई प्रशासन देखते है। इस ऐसे हालत में हम लोग क्या कर सकते हैं? लगता है किसी दिन के बाद में हमको बस्ती छोड़ के जाना पड़ेगा, आने जाने के लिए ऑटो और देख। मैं अभी यहाँ पे 15-20 साल हो गए रह रही बस्ती में,
15 20 साल के बाद में भी आज यह रास्ता कभी बंद नहीं हुआ था, लेकिन ये 10-12 यानी 5-6 साल हो गए ये WCL पूरा रेती रोड पे डालता। यह आने जाने के लिए बहुत भारी समस्या है, एक ऑटो सुधा नहीं निकलता, बीमार गिर गए। कसं त्यांना पोहोचवण्यात येईल, रुग्णालयाची सेवा कशी मिळण्यात यावी याकडे शासनाने लक्ष द्यावा आणि आम्हाला रोडची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी। या सर्व जनतेच्या आणि महिलांच्या वतीने मी कृष्णा बालाजी कुलसंगे, प्रकाश नगर, महाकाली कॉलरी। 11 बज गए तो भी से पानी नहीं मिल रहा है, बच्चा भूखे प्यासे में पानी के लिए तड़प रहा है, काला पानी आ रहा है, टैक्स भर रहा है तो भी से पानी नहीं मिल रहा है।